आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि 1968 के पुराने समझौते पर मंदिर ट्रस्ट ने कभी आपत्ति नहीं जताई और बाहरी लोग इस केस में याचिका दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को 31 मई तक के लिए टाल दिया। बता दें कि मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में लॉ की 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनीराम खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। धनीराम, क्या कुछ है पूरा मामला, अब उस पर आगे किस तरह की सुनवाई होगी? जी, मैं बता दूं आपको, श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मामले में अधिवक्ता सलन सिंह और लॉ स्टूडेंट के द्वारा दायर याचिका दायर की गई थी। एडीजे 7 मथुरा न्यायालय कोर्ट की सुनवाई आज टल गई है। उन्होंने 31 मई को फिर दोबारा सुनवाई की जाएगी, जिसमें मतलब ये है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल करने की बात कही गई थी, वही डॉक्यूमेंट याचिकाकर्ता द्वारा दलीलों के आधार पर फिर ये तारीख अगली बढ़ा दी गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले पर आज वाराणसी के सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल हिंदू पक्ष के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई है। इस पर आज सुनवाई होनी थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इसको लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही का तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के एक बयान पर अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने केशव को कहा कि आपकी गर्मी जनता ने निकाल दी। इस दौरान सदन का माहौल में खूब हंगामा हुआ। वहीं बहस के बाद सीएम योगी ने सदन में असभ्य शब्दों का इस्तेमाल न होने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है। पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने नामांकन कर दिया है। कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के अलावा डिंपल यादव का भी नाम लिस्ट में है। कपिल सिब्बल के नामांकन के साथ साफ हो गया है कि सीनियर कांग्रेसी कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में राज्यसभा जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे जनहित के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे और समाज के हित के लिए काम करेंगे। बुलंदशहर में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश में राशन कार्ड निस्तारित के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश भाटी सरकार पर अफरा तफरी का माहौल बनाने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को राशन मिलते की बात कही। हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने एक अफरा तफरी का माहौल गरीबों के बीच में पैदा कर दिया है, राशन कार्ड वापस जो ये कर रही है सरकार,
और जो सरकार ने मुफ्त राशन जो बांट के जो वोट बटोरी है और आज जो उसे वापस लेने का जो प्लान का है, हम उसके खिलाफ जो है धरने पर हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पंचायत स्थित मंदिर चौराहे पर स्थानीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम किया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 18 मई को पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन डुमरियागंज इंद्रमणि पांडे के साथ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामला है कि 18 तारीख को हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष जो है इंद्रमणि पांडे जी, उनके पड़ोस गांव के हैं कुछ, यहां रंजिश चल रही है, दीवानी मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर के रंजिशन क्या नाम है उनके ऊपर आतंकवादी हमला कर दिए हैं, लगभग 12-14 लोग। उनका भतीजा जो है वरडा संघ की स्थिति में दोनों लोग रेफर हुए सिद्धार्थनगर, वहां से गोरखपुर के लिए उनको रेफर कर दिया। यहाँ शासन प्रशासन के दबाव में उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हो पा रहा था। मामला यह है कि विगत एक हफ्ते पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व महामंत्री जो दो बार हो चुके हैं इंद्रमणि पांडे जी अधिवक्ता के रूप में तहसील में कार्य करते हैं और अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री रहने के बावजूद उनके गांव में जानलेवा हमला होता है। उनका भतीजा आज भी बेड पे पड़ा हुआ, इंद्रमणि जी भी घायल अवस्था में, भी बड़ा असहन अवस्था में है, लेकिन FIR 308 और 5 अन्य धाराओं में दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी गिरफ्तारी आज तक नहीं की। बदायूं में पुलिस चौकी से लेकर उसावा रोड तक फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और अधिकांश दुकानदारों ने प्रशासन का बुलडोजर देखकर खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। लगभग 2.5 घंटे तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चलती रही, वहीं इस मौके पर SDM भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है, जहां 17 दिन से लापता नाबालिग युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। वही घटना के बाद पीड़ित पक्ष के दर्जनों लोग SSP कार्यालय पहुंचे और शिकायत की प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। वही शिकायत स्वीकार करते हुए SSP ने जल्द ही युवती को ढूंढने की बात कही। और उस पर अभी तक कोई भी जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। वो लोगों को लाते हैं, थोड़ी देर बिठाते हैं, पूछताछ करते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर सख्त रुख नहीं अपना पा रही है पुलिस। तो इसी संदर्भ में आज जो है वो हम लोग पीड़ित परिवार को लेकर आए थे और कप्तान साहब से मुलाकात। अच्छा, ये नामजद FIR हुई भी है। अच्छा, मैंने और जिनके नाम FIR हुई है वो अपने आप में दबंग है। कौन इनके परिवार के हैं, कौन गाँव के, ये तो मैं नहीं जानता इनके परिवार के हैं या नहीं है, ये कौन लोग हैं, लेकिन नामजद इसलिए है कि सामने जब ये लेगा इन्होंने शिनाख्त करके बच्ची का पता। वही पुलिस लगातार नाबालिग की को ढूंढने की बातें कह रही है, लेकिन 17 दिनों से पुलिस अभी तक नाबालिग युवती का पता नहीं लगा सकी है। वही इसको लेकर परिजनों में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि युवती को जल्द से जल्द ढूंढ के उसे उसके गार्जियंस के हवाले किया जाए। परिजनों ने SSP से भी मदद की गुहार लगाई है। कहीं ना कहीं ये मामला अब एक राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सपा नेता है उन्होंने भी परिजनों की मदद की है और उन्होंने भी SSP से बात की और कहा कि जल्द से जल्द उस परिवार की मदद की जाए। अपात्र कार्ड धारकों से रिकवरी होने की अफवाह के बीच जिला सिद्धार्थनगर जिले में अब करीब 5,000 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से जिला पूर्ति कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया और अभी भी इनकी संख्या दहाई में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अब तक शासन के मंशा के अनुरूप किसी पर दबाव नहीं डाला गया। मौजूदा समय में अपात्र कार्ड धारक स्वेच्छा से 2014 की गाइडलाइन के अनुरूप खुद ही अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। बता दें कि अपात्रों ने राशन कार्ड सरेंडर करने से करीब पात्रों के राशन कार्ड बनाने की संभावना बढ़ गई है। शासन के निर्देश पर, विभाग के निर्देश पर 11 मई को एक पत्र आया है जिसमें राशन कार्ड का सत्यापन कराया जा रहा है। इस संबंध में ये भी है उसमें व्यवस्था कि जो लोग स्वेच्छा से चाहें तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
और वो स्वेच्छा से ही लोग कर रहे हैं, ना तो शासन का कोई दबाव कहीं पर है कि किसी को ज़बरदस्ती काटा जाए, ना तो किसी से रिकवरी करने की कोई बात है। एक अपील है कि अगर चाहें तो कर दें, अन्यथा सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन में जो लोग अपात्र पाए जाएंगे उनका राशन। खबर मैनपुरी जनपद से, जहां के सीआरपीएफ एएसआई सुभाष पाल अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से जवान की मौत हो गई, जिसके बाद सैनिक का शव गांव अपने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंतिम संस्कार में पूर्व सांसद, भाजपा जिलाध्यक्ष, तहसीलदार और थानाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यूपी के रायबरेली के उचहार कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के पास से ही बह रही नहर के पास एक महिला का शव मिला। पड़ा मिलने से सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने की कोशिश किया, लेकिन आसपास के लोग उसे पहचान नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। नारायणपुर गांव में नहर के किनारे एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिनके गर्दन पे चोट के निशान है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है, उनके हाथ पे रामकली नाम गुदा हुआ है। इसके आधार पर हम लोग आसपास के गांव में पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर रायबरेली से, जहां यात्रियों को ले जा रही बस पलट गई। बस पलटने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक कोई बस पलटी थी जिसमें 9 लोग घायल हुए थे, जो गंभीर अवस्था में जो है सीएससी लालगंज लाए गए थे, जिसमें से 4 को जो है प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। उधर से आ रही थी? उधर से इधर इस साइड से, इधर कानपुर साइड से। और जब इधर उतारी है इन्होंने तो एक बस क्रॉस किया, उस बस वाले ने पूरा जाके कच्चे में उतार के खड़ी कर लिया आगे। तब तक इन्होंने पूरा काट के इधर जैसे ही आए तो 2 चक्का उठ गए इनके, जैसे ही डिसबैलेंस हुआ तुरंत ये हादसा हुआ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कंट्रोल नहीं कर पाया, ब्रेक मार नहीं पाया, वो पलट गई गाड़ी। गाड़ी तेज चला रहे थे? ज्यादा तेज चला रहे थे। चोटें आई हैं? हाँ, लगी है ज्यादा। बस में कितनी सवारी रही होंगी? लगभग 100 तो रही होंगी, 100 से ज्यादा ही रही होंगी। लगभग सभी लोगों को चोटें लगभग आई हैं? हाँ, लगभग सबके आ गई। मुरादाबाद इलाके में टमाटर की फसल अधिक होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से किसानों को टमाटर की फसल में काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बार टमाटर का भाव काफी अच्छा है, लेकिन टेम्परेचर के चलते टमाटर की फसल अच्छी नहीं हो पाई, इसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम हो रहा है और किसानों का एक बार फिर भारी नुकसान हो रहा है। मजदूर किसानों का कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार टमाटर की खेती उन्हें नुकसान हो रहा है। इस बार नुकसान की वजह गर्मी अधिक बढ़ना बताया जा रहा है। फसल आपके लेट होने से, तापमान ज़्यादा होने से तो माल कम आए लोगों के, बारिश पड़ी नहीं है और होली के बाद में 45-46 तापमान रहा और 38 तक के उतर दिया था, 38 के बाद में नहीं उतर रहा। जो लोग अपने जिनके आगाए लगे हुए थे उनके लिए सही है मामला, उनके माल आ गया, इसमें माल नहीं आ रहा। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए बड़ी कवायद पेश की है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर्स को लैपटॉप दिए गए हैं और कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को लैपटॉप बांटे हैं। इस लैपटॉप वितरण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। लैपटॉप के जरिए टेली मेडिसिन दूर दराज के गांव और घरों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें मरीज को अब लंबी लाइनों में घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है हेल्थ और वेलनेस सेंटर का खुलना, ताकि वो गाँवों तक पहुंच सके। उसके अंदर आगे जैसे जैसे इक्विपमेंट आता जाएगा, उसके अंदर डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा होगी, उसके अंदर योग की भी सुविधा है और उसके अंदर जो इमीडिएट
चीजें हैं जिसके लिए दवाई देनी चाहिए, छोटी चीजें उसके लिए उसकी भी सुविधा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर गाजियाबाद के सरकारी विभागों में चलने वाले वाहनों के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। आरटीओ विभाग को निर्देश मिलते ही और अन्य विभाग के वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। आरटीओ विभाग ने 23 विभाग में कृषि, पशुपालन, नगर निगम, जीडीए में मानक न पूरे होने पर उनके वाहन का चालान कर दिया। इसी के साथ डीएम ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन गाड़ियों में मानक पूरे नहीं है उन पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हमारा विभाग ही उन निर्देशों का पूरा सदस्य पालन कर रहा है। उसमें निर्देश ये दिए गए हैं कि जितनी भी गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उनके प्रदूषण की जरूर से ज़रूर जांच की जाए। उस क्रम में सरकारी विभागों को एक पत्र लिखा गया था शासन से कि सभी गाड़ियां सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें चल रही हैं, उनको प्रदूषण से उनको प्रमाण पत्र मिले रहें, क्लियरेंस रहें, ताकि उनमें प्रदूषण की कोई शिकायत। तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।